अपनी एक सब्सक्राइबर मिली थी अभी मार्केट में। हाँ, क्या कह रही थी? साधना लुच्ची लफंगी सी लगती है। लुच्ची लफंगू कही तो बाप खुश होता ही हमारा माला कहाँ कर रहा है सो। लुच्ची लफंगू बेगुआ गई जो मोड़न के संग घूम रही कहूँ का छुकर रही कहूँ का छुकर रही। लुच्चू लफंगू से हुए सामने बाय लग रहा है लुच्चू लफंगू। नहीं मैं उसको बुला लूँ कि नहीं बुला लूँ जब तुम कहीं जाओ तो बताओ मिलने के लिए। बताओ इतना ही पसर जाए इतना ही धन डाल ले। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो गाइस आज हम साधना पर प्रैंक करने वाले हैं और प्रैंक ये होगा कि अभी मैं गया था मार्केट तो मार्केट में मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी, मतलब हमारी सब्सक्राइबर मिली थी मार्केट में, तो वो साधना के बारे में कुछ बोल रही थी तो वही मैं साधना को आज बताने वाला हूँ। वैसे नहीं मिली कोई भी सब्सक्राइबर, मैं जस्ट प्रैंक करने वाला हूँ साधना पर, तो आपने तो हाईलाइट देख ही लिया होगा, तो आप पूरी वीडियो देखना, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। A few moments later. साधना किचन में है, क्या कर रहे हो? ओ हेलो क्या कर रही हो साधना? देखो झाड़ू लगा रही है और मैं जस्ट अभी मार्केट से आया हूँ। सुनो इधर इधर अपनी एक सब्सक्राइबर मिली थी अभी मार्केट में। हाँ, क्या कह रही थी? बहुत तारीफ कर रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी क्या बताऊँ मैं। तो अभी तो साधना काम कर रही है तो तुम्हें सुनना नहीं। सुनो तो एक मिनट रुक जाओ ना, धर दे झाड़ू। तो पहले साथ में ये चिंटियाँ फैल रही हैं, बोल रही तो झाड़ू लगा ले फिर करते हैं बात, जल्दी कर लो। हो गया काम? हाँ, तो बहुत तारीफ कर रही थी वो सब्सक्राइबर, लड़की थी एक। हाँ, अच्छी लग रही थी, सुंदर थी बहुत। अच्छा, दूसरे की सुंदरता पंडित जी का कि अपनी पत्नी के सामने दूसरे की सुंदरता का बखान ना कीजिए। तो मैं तो बता रहा जैसी लग रही थी, तुझे कह दूं कि बुरी लग रही थी? अच्छी लग रही थी, अच्छी थी सब्सक्राइबर, क्यूट थी बहुत, बहुत तारीफ कर रही थी, सच में बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ, मेरी कर रही थी, तुम्हारी नहीं कर रही थी जो तुम इतना सोच रहे हो कि हाँ तुम्हारी तारीफ कर रही थी। क्या कह रही थी भाई? यही कही थी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो, आप मतलब जो वीडियो में बताते हो दिखाते हो ब्लॉग बनाते हो तो बहुत ही प्यारी वॉइस है आपकी, तब इतनी तारीफ कर रही थी, मैंने मन कर रहा था कि उसको गले लगा लूं। तो मैं लगा लेते हूं, मैं देख रही। नहीं तो यार कोई हमारी इतनी तारीफ करे तो ऐसे गले लगा लेना चाहिए ना। हमारी कुछ नहीं कह रही थी तुम्हारी इतनी बात भाई। हाँ, वो बता तो रहा हूँ, तुम्हारी भी बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कही थी साधना तो कह रही कि पता नहीं कैसा चकड़ी सा मुंह चलाती रहती है, है और मुझे तो देखो, कह रही थी मैं तो देखो जो बात है मुंह पे बोल देती हूँ, चाहे तुम्हारी पत्नी है तो चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, तो मुझे तो साधना लुच्ची लफंगी सी लगती है। लुच्ची लफंगी कही तो बाप को छोड़ता ही हमारा माला कहाँ कर रहा है सो। नहीं सही में लुच्ची लफंगी मतलब कहने का मतलब ये था कि मतलब अब मुझे नहीं पता उसने क्यों बुलाया था, उसने यही कहा कि लुच्ची लफंगी सी लगती है साधना, और उसने फिर ये भी कहा कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली साधना से, वैसे आपके लेवल की तो है नहीं वो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है साधना। बखान तो लगेगा? अरे बखान नहीं तो सुन तो लो जो बता रही। क्यों, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अभी तो कह रहे थे बताओ। अभी तो बताओ। अच्छा ठीक है, ऐसे हमारे मुंह पे कह दी जो मैं ऐसी सुनाऊं थे जिंदगी में ना मुंह बोलती को उसे भी। तो तुमने अबे तुम दो मिनट पहले कह रहे थे हम जल्दी झाड़ू लगा ले फिर बताओ, अब बता रहे हो तो बुरी लग रही, मतलब कोई तारीफ कैसी मतलब लुच्ची लफंगी कह रही है चकड़ी से मुंह चलाते ही भाई तो सब कह रही, तुमने कछु नहीं कही। वो यही कह अब जैसे अभी तुम जो बोल रहे हो ना ये सब चीजें ऐसे दिखा रहे हो, अब वो कल देखेगी तो फिर कहेगी आज देख ले पूंछ काट रही हमारी। तुम्हें पूंछ नहीं काट है लेकिन वो जो बोल रही थी सही बोल रही थी ना, इसका मतलब वो चकड़ी सा मुँह चल ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं, मतलब कोई तारीफ करे तो सुनने में तुम्हें अच्छा लगता है, अगर कोई तुम्हारी बुरी चीज तो कोई अगर कह ना तो कोई बुरी चीज अच्छे से भी कह सकते हैं, लेकिन जो कहा कि लुच्ची लफंगी, लुच्ची लफंगी का हो लुच्चा लफंगा देखा तुमने मोड़ा मोटा साइकिल पर ही जा रहे थे मोड़ी कर नहीं बगड़ में से। हाँ तो सुबह कहूँ कछु कच जाते हूँ कहीं बेकवा लुच्ची लफंगी मैं क्यों छोड़ रही, उसकी भाषा में अलग होगी लुच्ची लफंगी, उसकी भाषा बेलुच्चे लुच्ची लफंगू सुबह तुमसे बात कर रही नहीं मेरी तुम बहुत क्यूट लग रहा है, तुम ऐसे ही लग रहा है, तुम फलाने लग रहा है, तुम ढकाने लग रहा है, तुमने अच्छा, ब्याह काय कर लो। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर लड़की मेरी तारीफ कर दे तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और इतने लड़के तुम्हारी वीडियो देखते तुम्हें इतना पसंद करते तुम्हारी तारीफ करते, मैं तो कुछ नहीं कहता। हाँ तो ऐसे बोलते ही कैसे हम उनके बारे में ऐसे बोलते ही जो मोड़ा तो बहुत क्यूट है जो कितना अच्छा लग रहा है जो कमेंट कर रहा है हम बोलते ही ऐसे। मैं तो तुम्हें बता रहा कि वो लड़की अच्छी लग रही थी, ठीक है क्यूट थी, और क्यूट रहती है डर लगते भाई के संग लारे आते घर है यार, इसमें रहने वाली क्या बात है, सब्सक्राइबर मिली बात करी जो उसने, मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
तो ऐसे भले कोई को भी पशु हो, ऐसी वो पे कोई नहीं कहते ऐसी। एक बात तो है, जैसे कोई अगर तुम्हारी अच्छा ही करे तो वो सुनने में तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, अब बुरी चीजें अपनी सुनी। हाँ तो हमारी वीडियो ना देखे भाई, हाँ हम तो बोलेंगे हम तो लुचीला फंगू है, बताओ। और ये भी कह रही थी इतने जल्दी शादी क्यों कर ली तुमने, तो मैंने कहा वो शादी हाँ, लेवल की नहीं है बात, तुम्हारे लेवल की नहीं है। ये और लेवल की कैसी होती, ये बाद में बोला उसने लेवल की नहीं है, पहले उसने ये कहा कि तुमने इतने जल्दी शादी क्यों कर ली, तो मैंने कहा शादी तो देखो सबकी होती है, तो मैं मतलब कि मम्मी ने मेरे मम्मी पापा ने मेरी करवा दी शादी, तो वो ये कह रही थी कि तुम खुश हो के नहीं हो, और मम्मी पापा जबरदस्ती बैठा रहे थे बाहर, मैं कह ले बेटा बैठ जा, करवाई तो है मम्मी पापा ने, तुमने खुद करी को नहीं करी। और सुनो तो और वो ये भी कह रही थी कि तुम खुश हो के नहीं हो शादी से, अब फिर मैंने कहा मैं ऐसे ही ऊपर पट्टी बोल दिया, मैं बहुत खुश हूँ। काय बोल दो ऊपर पट्टी यार, उसको वो क्या सोचती कि बताओ खुश नहीं है साधना के साथ, अगर बकवास तुम्हारी से तुम उगे सोच पे से तुम्हें फर्क पड़ता नहीं, अगर मैं सच बोल देता कि नहीं हूँ खुश तो, और हम बोल दे सबसे, फिर हम सब सब बातें तुम्हारी कह जाए अपने मायके में, और सबसे हम कहते हैं कि वो तो ऐसा है वैसा है जो है फला, फिर हम तुम्हारी कितनी बार माइंग करते हैं, जो सच्चाई है वो बोलते हो तुम, सच्चाई हाँ तुम तो वो करते ही, हमारे आदमी सब सही है तुम्हारे आदमी सब वो है, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, अभी कोई तारीफ करता तो इतने प्यार से सुनते बोला ना करो गर्मी लग रही भगवान को, और कौन तारीफ करता उसे बात से जो कहते कि भाई घरेलू वाले आते वो तही का बात करके आ गए, घरेलू वाले आते रसगुल्ला नहीं, सुनो अगर कोई अच्छी बड़वाई करते तुम्हारी सो कहते भाई घरे का ही लोहा खिले आए रसगुल्ला खुआते पानी पिवाते, अब कोनो ने बुराई करी से ऐसी कह रही, हां तो बाकी ऐसी कह रही लुचीला फंगू, सही कही बात कह रही लुचीला फंगू, लुचीला फंगी गई ठीक है, और जो भी गई कि तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हें शादी नहीं तय किया सारी की है, ठीक है कौन सी जगह की है, अब है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम चली जाओ घर लड़वे कम होगा तुम, सुनो अब ये भी कह रही थी क्या, बस सुन रही हूँ बोल तो मैं क्या बिल्लू मो कम चलाएगा इतना, ठीक है इतनी जिंदगी है तो मैं खस में आना रहने, ठीक है तो मुझे कहते जाने होते हैं ऐसी क्यों करो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात वो ये भी कह रही थी जिंदगी भर नहीं पास हो रहा, वो ये कह रही तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी तुम्हें, हाँ तो कहते ना कर ते पास नहीं रहे तई माय के मैं इतनी ढूंढ लीजिए खसम फड़ो ते माय को मुई लगाना करो, मैं भी लग रही मैंने कहा थी गुस्सा आ रही अब, कितना गुस्सा हो गई कितना हाई करो, जाओ मुझे पता है अरे जाओ मैं समझ गया क्यों हो रहा है तुम, कोई अच्छा ही करे तो ठीक है कोई बुराई कर दे तो गुस्सा हो जाते हैं, देखो लोग ऐसे ऐसे जमाना, तो पसीना तो मुझे भी आ रहा है ऐसी कोई बात नहीं, पसीना गर्मी है तो पसीना आएगा नहीं, देख रहे हो गाइस भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मतलब अगर सब्सक्राइबर कोई सच्चा वो सच्चाई बोल दे थोड़ी सी बुराई कर दे तो इतना गुस्सा हो जाता है, उन्होंने बाहम से जो चाहे कह लेती हाँ हम चलना थे वो चक्री सो, लेकिन लुच्ची लफंगू कैसी कही, हम की के संग जा रहा है, हम की के घरे में हाथ डाल के जा रहा है, पार्क में घूमने जा रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है, मैं संग में हां तो जा रहा है, हम अपने आदमी के संग जा रहा है, तो भाई से तो लुच्ची लफंगू कह रही है, लुच्ची पापा बैठ जाए संग तो फिर तो सही रहेगा, हां तो सही है बैठ जावे, फिर उसे कहा के हम तो फिर उसे ऐसी ऐसी कह के अब वो काय तो कौन उनकी बचाई कर रहा है, तो उससे मिलवा दो तुम्हें, फिर वो कह रही थी मिलना है मुझे एक बार, मिलवाना था यहाँ कह रही थी घर पे आना है मुझे, इधर का गुड़न खो आ रही घर पे है मिले वे के लाना है, पर वो ये कह रही थी जब साधना ना हो तब बुलाना मुझे, मिले नहीं है तुम उसे, नहीं मैं तो अभी मिला हूँ रोड पे, लेकिन जब वो ये कह रही थी घर पे भी, घर पे अकेले में कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिलना है वो? मुझसे मिलना ना उसको, अब देखो जो उसने बोला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो ये कह रही थी कि अभी मुझे मतलब आपके घर पे आना है मिलना है आपसे घर पे, आपके हाँ, हमारे घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं है क्या, तू ये हम ना हो आए तू ये नहीं ना वहाँ नहीं, मुझे ये कह रही थी कि जब साधना ना हो तब बताना तब आऊंगी मैं मिलने के लिए आपसे, मैंने ये ठीक है जब साधना नहीं होगी तो मैं बुला लूंगा उसको, तुमने ऐसी कहा कही, अरे तो अब उसकी मर्जी, बेट तुम बहुत बहुत बड़े बड़े बखान करते ही तुम कि नहीं हम तो बहुत प्रति हम तो और आदमी जैसे नहीं है तो ये प्रति हम बहुत ईमानदार हैं, हम जो हैं जो आते हम शादी से पहले आते हैं हम बहुत अच्छे हैं जो है वो है, तो मैं ईमानदार तो इसमें मैंने क्या बेईमानी कर दी, मैं उसको तुम अकेले में बुलाओ, मैं अकेले में क्यों बुलाऊंगा, तुमने कहा कही क्या साधना ना हो तब बुलाना मम्मी पापा को, है खा रही हुए साधना के मुंह में बन रही, वो देखना नहीं चाहती तुम्हें, वो नहीं देखना चाहती, फिर वो आई तो तुम आओ तुम्हें कहा देखो, उसने ये भी बोला था कि मैं आपकी वीडियो सिर्फ आपकी वजह से देखती हूँ, साधना की वजह से, साधना अगर अकेली आपके वीडियो में होती ना तो मैं कभी उसकी वीडियो नहीं देखती, ये मुझे उसकी शकल से नफरत सी हो गई है, कितना मुंह चलाती, कौन सी भैंसा छोड़ रही हमने उसे शकल से नफरत हो गई, ना मिली ना जुड़ी ना हुए जानत क्या कहते की गए कौन सी कितने किया है तो ही मुझे नफरत हो गई, मेरे लिए अगर कोई वीडियो देख रहा तुम कितना बुरा लग रहा है यार, है मतलब ये चीज तो गलत, अच्छा तुम को की वीडियो देखो मुझे तो अच्छी देखो, मैं सही बताऊं मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उससे मिलके, अच्छा तुम जो हमारे बारे में बोले उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ो यार, देखो अब उसकी ओपिनियन है भाई,
अपनी ओपिनियन अपने पास रख, ओपिनियन नहीं ओपिनियन जो भी हो थोए। हाँ ओपिनियन मतलब कि अपनी राय, वो लगाओ के बखान ना करो तुम, ठीक है? बखान नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें कि उसकी ओपिनियन है भाई वो। अब जैसे कभी कभी कोई मेरे बारे में बोलता है कि नहीं मुझे आप नहीं साधना साधना अच्छी लगती है, बदमाशन के बखान सुनने नहीं यहाँ मैं, बंद करो। बदमाशन ना बोलियो भाई, ठीक है? बहुत क्यूट सब्सक्राइबर थी, क्यूट। मैं परिवार मानता हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर को। हाँ, परिवार है, परिवार है, परिवार के आदमी ऐसा बोलते ही दूसरे के बारे में, तो वो तुम्हें नहीं कर... चूल्हा फंगू है तो नहीं करती वो तुम्हें पसंद नहीं करती वो नहीं करता ही तो ना कर भाई, कोई के बारे में ऐसा बोल भाई को कौन सा हक है को भाई। अब मैं क्या करूँ, उसे बोल दिया तुम्हें। अभी तो बोलिए क्या थी, कभी मिल जाएंगे अगर सामने से तो तब भी बोलूंगी तुम लुच्ची लफंगी हो। मैंने कहा नहीं यार, क्या क्या बता, जीप पटा ले धर के ला था हमारे मुँह पे, क्या सो बहुत ही अच्छी है बहुत ही बुरा है, क्या कर लो धर के ला जीप पटा ले, हमसे क्या क्या बतावे, लुच्ची लफंगू के बाप को छेड़ रहा है हम। जीप है ही नहीं है आपके पास, बात तो बात है स्कूटी से आती, जीप कैसे पटाओ तुम, बाकी बताओ मुँह भाई अगर हमसे क्या तो बताए फिर हम मुँह भाई। अच्छा ये मुँह वाली जीव ये पटा दोगी? हाँ पटा दे, क्या क्या बतावे हमसे, इतनी ताकत, इतनी ताकत, बहुत अच्छे है बहुत बुरे हैंगे, अच्छे अच्छे से कहो मैं प्राण भी मांगा तो हम मुँह दे दे, लेकिन अगर कोई ने अगर तगड़े वो करी तो हम को नहीं पोसेटा। नहीं वैसे उससे मिलना तो है, तुम वैसे वही मिल रहा है तुम्हें, नहीं जब तुम कहीं जाओगे जब तुम कहीं जाओगे तब बुला लूंगा मैं उसको, ठीक है? तो देखो भाई साधना को कितना बुरा लगता है अगर कोई उसकी बुराई कर दे, और तारीफ अगर कोई करे तो इतने प्यार से सुनती तो है, कोई जरूरत नहीं है हर चीज को ब्लॉग ठूसवो। ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिखा रहा हूँ लोगों को कि भाई हमेशा साधना की तारीफ किया करो, बुराई मत किया करो, वरना वो ऐसे ही हाइपर हो जाएगी। देखो भाई 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 बात नहीं है, तो अगर हम क्या कोई की बताई है बहन कोई की लुगाई से कहने को तो ये लुगाई तो लुचूला फंगू है, फिर वो कैसा लगता है तलवार नाक छूट जाए। वो उसके शब्द थे, वो लुचूला फंगू उस टाइप का नहीं बोल रही तुम्हें, किस टाइप बोल रही, इस टाइप का बोल रही कि तुम ज्यादा मुंह चलाती हो जी, मुंह चलाती हो लाइक सब कुछ चले मुंह को, अगर ऐसी बात के को सीधे से सीधा भी हो जाए तो उको भी मुंह चले ऐसा, ये अगर को लाइक दिस नाउ यू आर लुची लफंगी, यस राइट नाउ यू आर लुची लफंगी, ओके सही कह रही कि तुम लुची लफंगू हो। हां कहे लुची लफंगू, नहीं 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 वो सही नहीं कह रही, मैं बता रहा हूं तुम्हारी ये हरकत की वजह से। अब ये क्या है, तुम पति की टी-शर्ट खींच रहे है, इतना तेज तेज चिल्ला रहा है, ये लुची लफंगी तो हो गए तुम, लुच्ची लफंगू बेकवाद है जो मोड़न के संग घूम रही, कहूं कछु कर रही, कहूं कछु कर रही है। तुम्हें कैसे पता बेकवाद थी, बेकवाद रही से कैसे कैसी फिर रही मुंह उठाए, तुम्हारी नजरिए में वो कहलाती है, उस लड़की के नजरिए में जैसी तुम है हुज्जे लुच्ची लफंगू से हुए सामने बाय लग रहा है लुच्ची लफंगू, नहीं नहीं जो जैसा हो रहा है वैसा ही सोचा। तो वैसे मैं उसको बुला लूं कि नहीं बुला लूं, जब तुम कहीं जाओ तो बताओ मिलने के लिए, बताओ इतना ही पसर जाए इतना ही धन धन ले, तुम इतना चिल्ला रही हो हाइपर क्यों हो रही हो, हाइपर हो रही हो कितनी, और मतलब अच्छा ही तुम्हें लोग बोल दे तो कहती हो कि घर पे बुला ले आते रसगुल्ला खिलाते उसको हम। हाँ तो अच्छा अच्छा वो करे तो भाई तो अच्छा करे, अच्छा कोई बुराई करे सुबह क्या बुराई करे, हम हमें का लेने देने उनसे बुराई तो बगा हम अन्नू को नहीं पोसेटते। अरे मैं मजाक कर रहा था प्रैंक कर रहा था, कोई सब्सक्राइबर नहीं मिली तो गाइस पता है इसने विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि सब्सक्राइबर मिलते ही रहते हैं, जब हम और साधना कहीं भी जाते हैं तो हमें सब्सक्राइबर मिलते ही रहते हैं, और हमेशा साधना की अच्छा ही करते हैं, मेरी भी अच्छा ही करते हैं, साधना की भी बढ़िया तारीफ करते हैं, तो साधना को लगा कि हाँ मिली होगी कोई लड़की लच्ची लफंगी कोई नहीं मिली, मजाक कर रहा था प्रैंक कर रहा था मैं, ठीक है ब्लॉग नहीं प्रैंक वीडियो बना रहा हूँ मैं, ओके सॉरी। आई होप गाइस आपको प्रैंक अच्छा लगा होगा, देखा आपने साधना की कितनी खतरनाक रिएक्शन, सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट प्रैंक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, फैमिली का ख्याल रखो, बाय बाय, राधे राधे।